क्या कहते हैं अनुभव से थोड़ी थोड़ी बात करने की, तो मैं अनुभव से हंस रही हूँ। मैं बोल रही हूँ, सबको बोलती हूँ जोर जोर से बजा लो ताली, जिसकी झोली है खाली माँ भर देगी शेरा वाली। क्या अनुभव? नहीं बिल्कुल बिल्कुल बोल जय, कह रहे हैं शेरा वाली साहब, बोल साचे दरबार की जय। भैया शॉर्ट में है अनुभव, मेरे साथ सामने कैमरे में नहीं आता और आने वाले समय में जरूर आएगा, ब्लॉगिंग भी करेगा और बहुत कुछ गाएगा अभी। और देखिए मैं बना रही हूँ साबूदाना की केसरिया खीर। यहाँ पे दूध बॉइल हो चुका है और दूध आधा किलो के करीब है। ये आधा किलो दूध है और जो कि मैं बनाऊंगी केसरिया साबूदाना की खीर। जब भी आप साबूदाना को भिगोते हैं उसे अच्छे से वॉश करना है, क्योंकि इसके अंदर बहुत ज़्यादा स्टार्च होता है। बहुत लोगों को पता है जो कुकिंग की वीडियो बनाते हैं, और वैसे भी बहुत लोगों को पता है इसका जो स्टार्च व्हाइट कलर का होता है उसको हम फेंक देते हैं और थोड़ी देर के लिए इसको भिगोते हैं ताकि ये फूल जाए। और केसरिया बनाना है तो केसर चाहिए, और ये मेरे पास सेफ्रन प्योर है और तभी उसका कलर अच्छा आएगा। तो ये केसर है मेरे पास, और यहाँ पे जो जो मैं डालूँगी इसके अंदर वो है मेरे पास नारियल जिसको कस लिया है, और ये साबूदाना है इसको मैंने भिगो लिया था, इसको हटा देंगे। इलायची दाना है, कुछ इच्छा के अनुसार ड्राई फ्रूट्स डालिएगा, नहीं है तो स्किप कर सकते हैं। चीनी अपने टेस्ट के अनुसार 6-7 चम्मच डालूँगी, क्योंकि आधा कटोरी के करीब मेरे पास साबूदाना है, और साबूदाना को हमने भिगो लिया था। दूध अच्छा गाढ़ा लिया है मैंने आधा किलो के करीब, और इसके अंदर मैं सबसे पहले अपना साबूदाना डालूंगी। कोई बात नहीं है, थोड़ा सा पानी भी डल जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि दूध फुल क्रीम है तो ऐसा कुछ नहीं है। तो ये हमारा साबूदाना डल चुका है, और साबूदाना डलने के बाद इसके अंदर मैं डालूंगी अपना नारियल जो कसा हुआ नारियल है, और इसको खूब पकाना है, गाढ़ा करना है, जब तक कि इसके अंदर साबूदाना घुल ना जाए तब तक। शुगर मैं देखो पहले इसलिए डाल रही हूँ क्योंकि पीसी भी शुगर नहीं है, शुगर अच्छे से मिक्स हो जाए। 6 चम्मच के करीब मैं शुगर डाल रही हूँ, क्योंकि एक कटोरी साबूदाना है, आधा किलो मेरे पास फुल क्रीम दूध है, थोड़ी सी बना रहे हैं केसरिया, इसके अंदर 6-7 चम्मच डल चुकी है, और इसको अच्छे से मैं मिक्स करूँगी और खूब गाढ़ी गाढ़ी बनाएंगे। थोड़ा सा ड्राई फ्रूट्स अभी डाल लेते हैं, थोड़ा सा बाद में डालिए क्योंकि किशमिश इसके अंदर अच्छे से मिक्स हो जाएगी। थोड़े से बादाम है, और यहाँ पे हमने इलायची पाउडर डाला है। इलायची पाउडर का टेस्ट बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा आता है, और आप लोग भैया सपोर्ट करें। और कटलेट बनाए थे बहुत कम लोगों ने, मेरे जो फैमिली वीडियो देखे, लेकिन और जगह वीडियो चल रही है। मुझे बहुत खुशी है कि लोगों के वो मेरे वो कटलेट पसंद है। जिन लोग मुझे ज्वाइन करना चाहिए ज्वाइन कीजिएगा, इजी मेथड की वीडियो आती रहेंगी, और मिनी ब्लॉग्स भी आते हैं मेरे, बिना सानी को सर्च करेंगे बहुत सारी वीडियो आएंगी, इंजॉय वाली वीडियो भी आएंगी। तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए बनाते हैं केसर वाली साबूदाना की खीर। तो अभी इसको अच्छे से मिक्स होने देंगे, और ये मेरे पास केसर है, केसर वाला दूध है, इसको भी हम अच्छे से मिक्स करेंगे, और तब तक इसको पकाएंगे जब तक कि इसके अंदर अच्छे से ये गाढ़ी खीर ना हो जाए। अभी खीर बनी नहीं है, आधा घंटे के करीब 15 मिनट के करीब इस खीर को पकाइएगा, जब तक खीर गाढ़ी नहीं होगी पकेगी तब तक इसको चलाते रहिएगा। 15 मिनट हो गए हैं, दूध हो चुका है कम, खीर हो रही है गाढ़ी, और इस तरह की हमें साबूदाने की खीर चाहिए। ये केसरिया खीर है, साबूदाने की खीर मैं पहले भी एक बार बनाई, लेकिन केसरिया खीर है। व्रत के दिनों में खाइए, छोटे बच्चों को दीजिए, घर के बड़े बूढ़ों को दीजिएगा, वैसे भी खा सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि व्रत है हम तभी खाते हैं, ऐसा नहीं है। खीर काफ़ी गाढ़ी हो चुकी है जी, इस तरह से हमें गाढ़ी गाढ़ी खीर चाहिए। साबूदाना बिल्कुल घुल चुका है इसके अंदर, अब मैं गैस को ऑफ कर दूंगी कहीं लग ना जाए, तो इसीलिए पक चुकी है, गाढ़ी हो चुकी है। नवरात्रों के दिन चल रहे हैं, महामारी के दिन चल रहे हैं, आपकी मेरी इच्छाएं पूरी कर लो, बजनो कीर्तन ढोलक ताली सब बज रहा है आजकल घर घर में गली गली में, तो आपकी मेरी इच्छाएं पूर्ण करो, जिनके जो काम होने सब हो जाएंगे, और वहाँ से अपना मांगो, जो बीमार है अस्वस्थ है वो भी स्वस्थ हो जाए, ईश्वर करे सब तंदुरुस्त रहे, सबकी कमाइयों में बरकत हो, तो सबके बच्चे खुश रहे तंदुरुस्त, सबकी इच्छाएं मनोरथ पूरी हो। और वही महामाई सबकी इच्छाएं पूर्ण करती है, दिल से करती है, खूब खुले दिल की है, इसलिए माँ को मना लो, घर की माँ को पहले मनाना, बाकी माएँ तो मन जाती हैं, घर की माँ मना ली तो सारी माएँ मन गई। तो चलिए हमारी ये खीर तो गाढ़ी हो चुकी है, बन भी चुकी है, अब हम करेंगे सर ये गाढ़ी गाढ़ी खीर है। किस चीज़ की खीर है अनुभव? साबूदाने की। अच्छा, तेरा भी एक बार एग्जाम लेने वाली हूँ, क्योंकि एक साल कई साल से तू
कुकिंग की वीडियो देखा है। मुझे आता है बनाना, पूछूंगी ना एक दिन, सब्जियां रख के मसाले रख के। तो ये हमारी क्या बन गई, साबूदाना की गाढ़ी गाढ़ी खीर। ये देखिए कितनी अच्छी खीर बनी है साबूदाना की। ये केसरिया खीर है, अब हम इसको करेंगे डेकोरेट। तो आप नारियल डाल लीजिएगा, ओपन बुक टेस्ट ले लेना, ड्राई फ्रूट्स डाल लीजिएगा। तो ये देखिए कितनी अच्छी गाढ़ी गाढ़ी खीर बनी है। और आज जो मैंने खीर बनाई है वो केसर की खीर बनाई है। और मैंने केसर भी ओरिजिनल केसर था, देखिए कितना अच्छा कलर आया साबूदाना में। ये केसर का आप कलर दीजिएगा, खीर देखिएगा कितनी गाढ़ी है। तो बनाइए, इंजॉय कीजिए, अपनी फैमिली अपने छोटे बच्चों को भी दीजिएगा, इट्स टू हेल्दी। तो मिलेंगे जयकारा लगाते हुए। जयकारा शेरावाली दा बोल सचे दरबार की जय। तो नमस्कार, अब मिलेंगे नई वीडियो के साथ।